प्रियेशा जंगायस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 की जो क्वेश्चन बैंक दी गई है फॉर इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज। तो हमने ऑलरेडी लैंग्वेज स्टडी देखा है और हमने इवन जो सेक्शन 2 है हमारा, मतलब के जो हमारे पैसेजेस है, तो टेक्सचुअल पैसेजेस एक्टिविटी सेट 1 का हमने दोनों पैसेजेस देख लिए हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटी सेट 2 के टेक्सचुअल पैसेजेस। तो ये देखिए, जो पहला पैसेज हमारा है यहाँ पे, दिस इज रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर है कनेक्टिंग द डॉट्स, वो चैप्टर से पैसेज लिया गया है। तो 2 मार्क का जो ऊपर सवाल है उसको करने से भी पहले हमें पैसेज पढ़ना है, तो पहले हम पैसेज ही पढ़ेंगे। माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस, मतलब प्यार और फिर कुछ खोया है मैंने, तो ये स्टीव जॉब्स ने कहा। तो ये देखिए, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, कहते कि मुझे जो पसंद था करना वो मैंने बहुत जल्द ही ढूंढ लिया मेरी लाइफ में। वॉज मतलब स्टीव वॉजनियाक एंड आई स्टार्टेड एप्पल व्हेन आई वाज 20, जब मैं 20 साल का था तब हम दोनों ने एप्पल कंपनी स्टार्ट की जो आईफोन बनाती है। तो ये स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक दोनों ने शुरू किया जब वो 20 साल के थे, स्टीव जॉब्स। इन 10 ईयर्स एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट द 2 ऑफ अस इन अ गैराज इनटू अ $2 बिलियन कंपनी। तो 10 साल में एप्पल $2 बिलियन कंपनी बन गई, छोटी सी कंपनी जहां हम दोनों ही थे, हम दोनों ने शुरू किया। एंड देन आई गॉट फायर्ड, और फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। इट वॉज डिवास्टेटिंग, मैं पूरा टूट गया, डिवास्टेटिंग था, मैं पूरा टूट गया। मेरी कंपनी जो मैंने शुरू की और इतनी बड़ी कंपनी बन गई, अब मुझे वहां से निकाल दिया गया। बट समथिंग स्लोली बिगैन टू डॉन ऑन मी, बट फिर कुछ धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। डॉन ऑन मी, बिगैन टू डॉन ऑन मी, मतलब मुझे समझ में आने लगा। आई स्टिल लव्ड व्हाट आई हैड डिड, मुझे अभी भी पसंद था जो मैंने किया था। एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर, इसलिए मैंने सोचा अब मैं फिर से शुरू करूंगा। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। तो जो हैवीनेस थी, मैं इतना सक्सेसफुल हो गया था, अब वो मेरी कंपनी तो मुझसे छूट गई, तो अब मुझे फिर से लाइट फील होने लगा, हल्का महसूस होने लगा, जैसे एक बिगिनर को लगता है। तो आई वॉज रिप्लेस बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। तो ये मैं अब फ्री हो गया सक्सेसफुल पर्सन से, अब मैं फ्री हो गया, बिगिनर बन गया, और अब मैं फ्री हो गया, आई कैन एंटर इन टू वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ, कि अब मैं नई चीजें ट्राई कर सकता हूँ, आई कैन बी क्रिएटिव। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 ईयर्स आई स्टार्टेड अ कंपनी नेक्स्ट, अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर। तो फिर वो 10 साल तक उधर काम, एप्पल में काम करने का, जब वो निकाल दिया गया, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उन्होंने काम किया और 2 कंपनी बनाई, एक नेक्स्ट और एक पिक्सर। एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माय वाइफ, एंड उनको प्यार हुआ और उनसे उन्होंने शादी कर ली, शी बिकेम हिज वाइफ। पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। तो पिक्सर वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो है, कार्टून एनिमेशन बनाती है। बॉट एप्पल नेक्स्ट, उसके बाद मैंने एप्पल को भी खरीद लिया, जहां से मुझे निकाला गया था, जो कंपनी मैंने बनाई थी उसको मैंने खरीदा। आई बॉट एप्पल, आई रिटर्न टू एप्पल एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट। तो एप्पल पे वो वापस आ गए और जो टेक्नोलॉजी उन्होंने नेक्स्ट कंपनी में बनाई थी इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रिनेसा। तो करंटली जो एप्पल जो प्रोग्रेस कर रहा है और नई चीजें ला रहा है, वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जा रही है, जो मैंने कंपनी बनाई थी नेक्स्ट उसमें जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी वो अब एप्पल को काम आ रही है। एंड लॉरिन एंड आई, लॉरिन इज हिज वाइफ, लॉरिन एंड आई हैव अ वंडरफुल फैमिली टुगेदर। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ अ ब्रिक, कभी कभी लाइफ आपको हिट करती है, आपके सिर पे देती है विथ अ ब्रिक, ईंट से। पर मतलब कि हमें तकलीफें, हमारी लाइफ में दिक्कतें आती है, इसका बोलने का मतलब है हमें लाइफ में जब दिक्कतें आती है, डोंट लूज फेथ, अपना फेथ हमें नहीं लूज करना है। द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, मतलब अगर आपको ग्रेट वर्क, अच्छा काम कुछ करना है, तो आपको वो करना है जो आपको पसंद है ना। आपका जो जॉब है वो ऐसा होना चाहिए जो आपको पसंद है। If you haven't found it yet, keep looking. अगर आपको अब तक समझ में नहीं आ गया कि आपको क्या करना पसंद है, तो आप देखते रहो, keep looking, सोचते रहो, देखते रहो, try करते रहो, don't settle, settle मत हो जाओ। जब तक आपको पता चल गया कि आपको क्या करना पसंद है, तब settle हो जाओ और वही काम करो, and you will excel. So this is the advice which Steve Jobs gives. तो यहाँ से अब हम हमारा first question का answer देखेंगे, ऊपर जो है, ये देखिए, A1, complete the following statements with the help of the passage. तो हमारा सेंटेंस क्या है, फर्स्ट द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड, ये हमारा यहीं से आता है, देखिए द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड, सेम टू सेम यहां से कॉपी करना है, बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगिनर अगेन, ये आंसर आएगा। द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट, तो यहां पे ये देखिए,
द टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रिनेसा. तो पूरा यहीं से लिया है हमने, कुछ अलग नहीं है. इज एट द हार्ट, टेक्नोलॉजी वी डेवलप्ड एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रिनेसा. तो यहीं से हमारा आंसर आता है. तो ये दो मार्क हमें इजीली मिल जाते हैं, हमें सिर्फ पैसेज में ढूंढना है वो कहाँ है. फिर ए टू है, द राइटर स्टीव जॉब्स गिव्स द रीडर सम एडवाइस फॉर लाइफ, लिस्ट एट लीस्ट टू ऑफ द इम्पोर्टेंट एडवाइजेस गिवन बाय हिम इन द पैसेज. तो ये लास्ट लाइंस में ही है, वहीं से लिखा मैंने. ये देखिए, समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद अ ब्रिक, डोंट लूज फेथ. तो डोंट लूज फेथ ये एक एडवाइस है, अगर आपको दिक्कतें आती है डोंट लूज फेथ. और दूसरा है, ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, इफ यू हैवंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग डोंट सेटल. तो ये दो, डोंट लूज फेथ डोंट सेटल, पर इसका बैकअप बैकग्राउंड क्या है वो हमें पूरा लिखना है. तो ये दोनों सेंटेंसेस पूरा हम लिखेंगे. सो दीज आर द टू एडवाइसेस गिवन बाय हिम इन द पैसेज. फिर A3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो. है ना, इसको हम चाहिए तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. तो ये दो सेंटेंसेस है. तो अप्रोप्रिएट वर्ड्स ये कैसे करेंगे हम, फर्स्ट वाला है ये देखिए, वर्ड्स क्या दिए, डिवास्टेटिंग, रिनासा, करंट, क्रिएटिव, ये सारा आपके वर्ड्स जो है हमारे पैसेज से आए वही है. तो यहाँ पे फर्स्ट है, द इन्वेंशन ऑफ द इंटरनेट हैज ब्रॉट अबाउट अ डैश इन कम्युनिकेशन. तो रिनासा मतलब न्यू चेंज, रिनासा जैसे आया ना, जैसे एप्पल रिनासा की बात की गई थी वहां पे, नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी यूज करके हम एप्पल को हम मॉडिफाई इम्प्रूव कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. तो इंटरनेट से भी कम्युनिकेशन में एक इम्प्रोवाइजेशन आया, मॉडिफिकेशन आया, मतलब नया रेवोल्यूशन आया. तो ये यहाँ पे आएगा रिनेसा, बिकॉज दैट वर्ड फिट्स हियर. बाकी तीन नहीं आएंगे, यहाँ पे फिट ही नहीं होंगे. वी शुड रीड द न्यूज़पेपर टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स कहे जाते हैं, न्यूज पेपर्स वगैरह से हमें करंट अफेयर्स पता चलते हैं. तो ये है जो अभी हो रहा है. फिर अर्थक्वेक जो है डिवास्टेटिंग, मतलब जो बहुत नुकसान करे. तो अर्थक्वेक had a devastating effect on the life of the people. Or teacher, art teacher creative hoti. Art teacher is very creative. She always comes up with new ideas. So ye hamare, ye bhi bahut simple grammar tha. Ye ho gaya. Phir next hai do as directed. Ye actually grammar hai hamara. First sentence hai, Pixar is the world's most successful animation studio. Ye passage se hi sentence hai. Karna kya hai hame? Rewrite the sentence in positive degree. तो तीन डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. ये हमारा सेंटेंस मोस्ट सक्सेसफुल है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में हमें इसे क्या बनाना है, पॉजिटिव डिग्री, मतलब सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल, हमें इसे सक्सेसफुल करना है. तो पिक्सर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो इसे हम लिख सकते हैं, नो अदर एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड इज एज सक्सेसफुल एज पिक्सर. तो मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल, तो इन द वर्ल्ड है ना. तो नो अदर एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड इज एज सक्सेसफुल एज पिक्सर. अगर हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री भी बनाना होता तो हम क्या करते हैं, नो अदर एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड इज मोर सक्सेसफुल धैन, THAN धैन. तो ये हम अगर मोस्ट सक्सेसफुल कोई चीज के बारे में लिखा होता तो ये तरीका होता है, नो अदर करके लिखना होता है ना. वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल होता है तो फ्यू अदर करके आता है. ये हमने सारा जो है इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो अपलोड किया, डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन, उसमें ये हमने सब डिस्कस किया एग्जाम्पल्स के साथ. यहाँ ये आंसर है. सेकेंड है, डोंट लूज फेथ. इसे इसमें डोंट, डू नॉट है ना, डोंट मतलब डू नॉट, तो नॉट आता है. तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, हमें इसे असर्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है. तो रीराइट एज एन असर्टिव सेंटेंस. तो यहाँ पे हमें लिखना है, हैव फेथ गलत हो गया, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब नेगेटिव टू अफर्मेटिव है ना, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस कहा जा रहा है. ये हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, डोंट लूज फेथ इज अ एन इम्परेटिव सेंटेंस, जहाँ पे रिक्वेस्ट या ऑर्डर होता है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो ये डोंट लूज फेथ इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, इसको असर्टिव सेंटेंस बनाना है, मतलब एक स्टेटमेंट. तो हम क्या लिखेंगे, यू शुड नॉट लूज फेथ, जनरलाइज करके. तो ये तरीका लिखने का, दिस इज द करेक्ट आंसर. A5 पर्सनल रिस्पॉन्स है, वॉट डज द सेकेंड स्टोरी ऑफ जॉब्स कन्वे टू यू. तो सेकेंड स्टोरी जो जॉब्स की है, जो हमारा पैसेज पूरा सेकेंड स्टोरी पे ही है, उससे हमें क्या मैसेज मिलता है. तो ये सवाल है हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स, इसका आंसर मैंने लिखा है, यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ पेज 9 पे लिखा है, नेक्स्ट पेज पे. ये देखिए, द सेकंड स्टोरी ऑफ जॉब्स टेल्स अस दैट फेलियर शुड नॉट डिस्करेज अस. कि हम हमारी लाइफ में अगर फेलियर्स आते तो हम डिस्करेज नहीं होने चाहिए उससे. दे आर द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन आर लाइफ. उसके बाद हमारा एक नया चैप्टर शुरू होता है. वी शुड नेवर लूज फेथ एंड ऑलवेज बी परसिस्टेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक.
हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, हमेशा काम करते रहना है, पॉजिटिव सोचना है ना, हिम्मत नहीं हारनी है, फेथ हमेशा रखना है कि अच्छा होगा, सही होगा. ऑल्सो जॉब्स इंसिस्ट दैट द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू, है ना. ही सेज ना कि आपको अगर अपना अपना अच्छा काम कुछ करना है, बड़ा कुछ अच्छा करना है, तो वो करो जिसको करने को आपको अच्छा लगता है, वॉट यू लव टू डू. इफ यू हैवन फाउंड इट येट, कीप लुकिंग, डोंट सेटल, है ना. एज वी स्पेंड मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ आर लाइफ वर्किंग, वर्क हैज टू बी इंजॉयबल फॉर अस. हमारा मैक्सिमम टाइम हम जीवन का जो है हमारा वर्किंग ईयर्स होते हैं, जब हम जॉब करते काम करते कुछ भी, तो वो काम हमें पसंद होना चाहिए. इफ वी डोंट लव आवर वर्क वी कैन नॉट एक्सेल इन इट. तो ये मैसेज मिलता है हमें स्टीव जॉब्स की स्टोरी से. तो ये मेरा आंसर यहाँ पे है. सेकेंड स्टोरी ऑफ जॉब, वॉट डज द सेकेंड स्टोरी ऑफ जॉब्स कन्वे टू, तो दिस इज द मैसेज कन्वे. फिर नेक्स्ट पैसेज जो है हमारा चैप्टर ओल्ड मैन एंड द सी, जो यूनिट 4 में चैप्टर है ओल्ड मैन एंड द सी बुक रिव्यू, उससे है. अगेन ये 2 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो करने से पहले हमें पैसेज पढ़ना है. तो हम पहले पैसेज देखेंगे, यहाँ से पैसेज शुरू होता है. देखिए, एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड क्यूबन फिशरमैन, क्यूबा एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, तो एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड क्यूबन फिशरमैन हैज अ रन ऑफ टेरेबल बैड लक. मतलब रन ऑफ टेरेबल बैड लक, मतलब ये फ्रेज है कि उसका वक्त बुरा चल रहा था, उसका लक खराब चल रहा था, ना चल रहा था बोलते हैं ना, तो वो रन ऑफ बैड लक ऐसा. एंड इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज, मतलब 84 डेज हो गया वो कोई फिश ही नहीं पकड़ पा रहा था. ओल्ड था, एक्सपीरियंस था, लेकिन फिश नहीं पकड़ पा रहा था. ही इज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस, मतलब एक यंग बच्चा उसके साथ था. डिवोटेड मतलब कि उसको वो मानता था, डिवोटेड था उसको. अप्रेंटिस मतलब जो जो इंसान काम सीख रहा है, किसी के एक्सपीरियंस के अंदर, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो उसके अंडर रह के वो काम सीखते, उसके उसे अप्रेंटाइज कहते हैं, है ना. जैसे इंटर्नशिप वगैरह होती है वो अप्रेंटाइजशिप, तो काम जो होता है उसमें अप्रेंटाइज होते हैं. तो उसका नाम था मैनोलिन, यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटाइज का नाम है मैनोलिन. तो हिज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटाइज मैनोलिन हैज बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू स्टार्ट वर्किंग विद अनदर फिशरमैन. तो मैनोलिन को उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कि अब तू इसके पास तो फिश पकड़े नहीं जा रही है इससे, तो तू किसी और फिशरमैन के साथ काम कर. The old man resolves to sail out farther than all the other fishermen. The old man अब decide करता है कि मैं और दूर तक जाऊंगा. An attempt to catch the really big fish, और फिर बड़ी सी मछली पकड़ूंगा. On the 85th day, he succeeded in hooking a marlin. तो marlin एक fish का type है, variety है. तो उसने एक marlin को पकड़ लिया with his bait. Bait मतलब जो मछली का जो हम फेंकते हैं ना हुक, जो उसके अंदर हुक के अंदर कुछ भी खाना होता है, बेट होता है, जिसकी वजह से वो मच्छी उसको पकड़ने को जाती है और हम मच्छी को ऊपर खींच लेते हैं. मतलब फिशिंग वैसे की जाती है, तो ये बेट होता है. तो ही सक्सीडेड इन हुकिंग अ मार्लिन विथ हिज बेट, बट द मार्लिन इज टू स्ट्रांग फॉर हिम एंड स्टार्ट्स पुलिंग द बोट. लेकिन मार्लिन जो है मछली वो बहुत स्ट्रांग है, बड़ी मछली है, तो वो बोट को पुल करने लगती है. द ओल्ड मैन इन द सी इज अ स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद द मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स. तो ये बुक है, बुक रिव्यू है ना, ये तो बुक के बारे में बताया जा रहा है कि ये बुक में ऐसे होता है. और ये जो स्टोरी है ओल्ड मैन का स्ट्रगल जो था मार्लिन के साथ, और बाद में उसका स्ट्रगल शार्क्स के साथ जो था, वो पूरी इसके बारे में ये बुक है. अब ये बुक के सोशल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट लिखा गया है. हेमिंग्वे जो है इनका ये ऑथर थे, तो उनकी नॉवेल है ये. तो इधर लिखा है, हेमिंग्वेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इज ऑल्सो ड्रॉन्स इट ऑल्सो ड्रॉज हेविली ऑन हिज ओन लाइफ. तो ये जो बुक लिखी गई है, नॉवेल है, वो रियल इवेंट्स पे बेस्ड है, जो रियल चीजें हुई थी. और ये बुक ड्रॉज हैविली ऑन हिज ओन लाइफ, मतलब वो खुद की लाइफ से भी, उन्होंने जो कुछ भी उनकी लाइफ में हुआ था उससे भी काफी सारी चीजें उन्होंने लेके इस बुक में लिखी है. मतलब वो खुद ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन द क्यूबन वाटर्स. तो हेमिंग्वे जो ऑथर थे, वो खुद वो क्यूबन वाटर्स में फिशिंग का एक्सपीरियंस उनको था. एंड लाइक द ओल्ड मैन ही वॉज ऑल्सो अ फैन ऑफ बेसबॉल. तो ओल्ड मैन की तरह वो भी बेसबॉल फैन थे. He worked for the Red Cross during the First World War. तो Hemingway जो author है, वो Red Cross के लिए काम करते थे First World War के time पे. Red Cross एक international organization है, NGO की तरह, जो जो actually medical help provide करती है, medical aid वगैरह जो provide करती है, जो soldiers और जो civilians जो First World War में जो जख्मी हुए थे, उनका सबका ध्यान रखने का काम Red Cross ने किया था. इसे Nobel Peace Prize भी दिया गया है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस. तो हेमिंग्वे रेड क्रॉस के लिए काम करते थे ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वॉज इंजर्ड बाय शार्पनेल. ये श्रैपनेल ए आ रहेगा, शार्पनेल. तो ही वॉज इंजर्ड बाय शार्पनेल व्हेन ही वॉज इन इटली. और जब वो इटली में थे, तो उनको एक शार्पनेल से इंजरी भी हो गई. शार्पनेल क्या होता है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है. ये देखिए, हॉलो प्रोजेक्टाइल कंटेनिंग बुलेट्स.
तो एक जो बुलेट्स जो होती है ना, बुलेट्स जिसके अंदर होती है, तो हॉलो प्रोजेक्टाइल जो होता है उसे शार्पनेल कहते हैं, मतलब बुलेट का ही हिस्सा। ये देखिए आपका जो चैप्टर है ओल्ड मैन इन द सी बुक रिव्यू, उसमें नीचे यहाँ दिया है शार्पनेल का मीनिंग। तो शार्पनेल मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा बुलेट, तो बुलेट के अंदर एम्यूनिशन होता है, तो बाहर का जो उसका कवरिंग होता है ना ऐसे जो, तो वो हिस्से को शार्पनेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, हॉलो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब जो जो ये बुलेट जो फ्लाई करने वाली है ना प्रोजेक्टाइल, तो कंटेनिंग बुलेट्स और दी लाइट एंड अ बर्स्टिंग चार्ज डिजाइन टू एक्सप्लोर बिफोर रीचिंग द टारगेट एंड टू सेट द शो ऑफ मिसाइल्स। एटलीस्ट इधर और के जगह इतना पार्ट जो ये भी आप समझोगे, तो शार्पनेल एक्चुअली टुकड़ा छूटा हुआ हिस्सा भी हो सकता है, तो उससे उनको इंजरी हो गई थी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो इटली के में थे जब, तब तो वो यहाँ पे लिखा है ही वाज इंजर्ड बाय शार्पनेल व्हेन ही वाज इन इटली। हेमिंग्वे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। तो हमेशा वो अपने नॉवेल में यही बात करते कि हमें डिफीट से डेथ से लड़ना है, स्ट्रगल करना है, एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस। अगर हम डिटर्मिंड रहेंगे और अपना काम करते रहेंगे, एंड्योर करते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, वी कैन डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल। तो अगर हम डिटर्मिंड और एंड्योरेंस में रहेंगे, अपना एंड्योरेंस रखेंगे, तो हम इस स्ट्रगल में जीत जाएंगे, स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवल वेरी नियर डेथ। तो जो ओल्ड मैन जो था ना एक्सपीरियंस क्यूबन फिशरमैन, वो नॉवल में जो एंड होती है नॉवल तब, तो वो डेथ के करीब होता है। बट वी नो दैट द स्टोरी ऑफ हिज सफरिंग एंड लॉस, मगर हमें पता है कि उसकी जो स्टोरी है ओल्ड मैन की, जो पूरी नॉवल में, इट विल लिव ऑन इन द मेमोरीज ऑफ द पीपल ऑफ हिज विलेज। तो उसको उसके विलेज के लोगों के मेमोरीज में जिंदा रहेगी। अल्टीमेटली हिज स्टोरी बिकम्स वन ऑफ ट्रम्फ बिकॉज द टेल्स ऑफ हिज लाइफ विल गो ऑन इवन आफ्टर हिज डेथ। उसकी लाइफ मतलब वो उसको सफरिंग हुआ, उसका लॉस हुआ, लेकिन उसकी स्टोरी जीत की है लॉस सफरिंग के बावजूद, बिकॉज उसकी जो जिंदगी की स्टोरी है वो उसके डेथ के बाद भी जिंदा रहेगी और लोगों को याद रहेगी। तो दिस इज व्हाट ट्रम्फ मींस, सक्सेस, विक्ट्री, है ना। फिर अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, पहले B1 देख लेंगे, B1 को नहीं छोड़ना है। यहाँ पे देखिए सबसे सिंपल सवाल होता है ये, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ऑन द 85th डे द ओल्ड मैन सक्सीड्स इन हुकिंग अ सैल्मन इन हिज बेट। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ही हुक्ड, बट यहाँ पे लिखा है देखो ऑन द 85th डे ही सक्सेसफुली हुकिंग अ मार्लिन, सैल्मन नहीं मार्लिन फिश की, तो ये गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंडोलिन नहीं है, मैनोलिन है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मैनोलिन वाज हिज अप्रेंटाइस, ये राइट है, मैनोलिन अप्रेंटाइस थे। द ओल्ड मैन हार्डली हैड एनी एक्सपीरियंस इन फिशिंग, ये फॉल्स है, ओल्ड मैन एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस क्यूबन फिशरमैन था, तो ये फॉल्स है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ओल्ड मैन हैड वर्क्ड विद द रेड क्रॉस, ये हमने देखा यहाँ पे नीचे ही दिया है। He worked with the Red Cross during the First World War. तो ये true है। तो ये true और false लिखना है। Statement copy करके भी आप true false लिख सकते हैं। Without that also if you write one false, two true ऐसे तो भी वो चलेगा। तो ये आपका देखो state whether true or false, तो ये हो जाएगा। Numbering हमेशा बराबर लिखना questions में। Margin में right numbering लिखना, और कोई numbering नहीं लिखना। जैसा numbering है one जैसा लिखा है वैसा ही numbering लिखना है। कोई अलग तरीके से नहीं लिखना है। B लिखना है, फिर B1 लिखना है, फिर 1, 2, 3, 4 लिखना है, और मार्जिन में अपने खुद के कोई नंबर बनाए हुए मार्जिन में नहीं लिखना है ना। जो यहाँ एक लाइन होती है, मार्जिन होती है, उसमें नहीं लिखना है। ये साइड पे पेज पे आपका आंसर जो चाहिए वहाँ पे आपके खुद के नंबरिंग जो आपको देने जो करना है करो, लेकिन मार्जिन में जो नंबरिंग सही होनी चाहिए ताकि सही आपको करेक्शन हो, आपका सही मार्क्स मिले। सो दैट यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आंसर लिखोगे लेकिन नंबर उसको सही नहीं करोगे तो कौन से क्वेश्चन का आंसर है कैसे पता चलेगा, है ना। फिर ये B2, तो B2 हमारा यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ हेमिंग्वे, और हमें चार जो सर्कल से ये भरने, तो हेमिंग्वे मतलब जो ऑथर है उसकी क्या क्वालिटीज है, तो इसे लिखा है ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग इन क्यूबन वाटर्स, ही वाज फैन ऑफ बेसबॉल, फिर ही वर्क फॉर द रेड क्रॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड ही वाज इंजर्ड बाय अ शार्पनेल व्हेन ही वाज इन इटली। एग्जैक्टली पैसेज से ही हमने ये सब लिया है। फिर नेक्स्ट B3 क्वेश्चन है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द बिलो गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस। तो फर्स्ट है डिवोटेड, है ना, वो डिवोटेड अप्रेंटाइज था हमने पैसेज में देखा, तो हमें खुद का सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो मैंने यहाँ बनाया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ महात्मा गांधी, ऐसे वो उनको फॉलो करते थे, मानते थे। फिर सेकंड है टू बी फोर्स्ड बाय, तो यहाँ पे मैंने लिखा मोहन वाज फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू एनरोल इन अ मेडिकल कॉलेज, किसी ने फोर्स किया, जैसे मैनोलिन को उसके पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे कोई और फिशरमैन के साथ काम करने के लिए, ऐसा। फिर B4 है डू एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे हमारा ये ग्रामर है, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है वो है
ही इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज. तो यहाँ पे हमें इन्फिनेटिव, पिक द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस है. इन्फिनेटिव टू करके होता है, वर्ब होता है टू करके, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है टू कैच, तो ये बस टू कैच इन्फिनेटिव लिखना और हमारा ये हो गया. इन्फिनेटिव बहुत सिंपल तरीके से, हम डूइंग वर्ड इज अ वर्ब कैच, तो यहाँ सेंटेंस में कैच है, टू करके होता है हमेशा इन्फिनेटिव, टू कैच, तो हो गया ये. इन्फिनेटिव का सवाल हमेशा बोर्ड में आता ही है और बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते. सेकेंड है, हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ. यहाँ क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस एज अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, है ना. तो ये ऑलवेज टॉक्स है ना, तो हमको ये डूइंग वर्ड से यहाँ पे होता है. ऑलवेज टॉक्स को हम लिखेंगे हेमिंगवे नेवर मिसेज आउट टॉकिंग अबाउट. तो हेमिंगवे नेवर मिसेज आउट टॉकिंग अबाउट पूरा सेम है, द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट एंड डेथ. ऑलवेज टॉक्स मतलब हमेशा वो बात करता है, कभी चूकता नहीं है बात करने में अबाउट ऑल अबाउट दिस. तो सेम मीनिंग रहा और हमने नेगेटिव बना दिया सेंटेंस को ऑलवेज की जगह नेवर डाल के. और फिर ये सवाल है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स D5. वुड यू प्रिफर टू रीड अ बुक और सी अ फिल्म बेस्ड ऑन द बुक, गिव रीजंस. तो यहाँ पे हमारा जो गिव रीजन है, तो आपको बुक पढ़ना पसंद या फिल्म देखना, उस बुक के बेस्ड फिल्म देखना पसंद है, वो आपको आंसर लिखना है और रीजन देना है. तो मैंने दोनों के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ देखे हैं. आई वुड प्रिफर रीडिंग अ बुक देन सीइंग अ फिल्म बेस्ड ऑन द बुक बिकॉज इट वुड गिव मी मच मोर डिटेल्स अबाउट द कैरेक्टर्स, बिकॉज बुक में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया होता है कैरेक्टर को, तो हमें सामने हमारे सामने कैरेक्टर होता है, हम इतना ध्यान उस पर दे के नहीं को उसने कैसे कपड़े पहने, कैसे है, क्या है. लेकिन अगर हम बुक पढ़ते तो पूरी डिटेल उसमें दी जाती है, कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाता है, बैकड्रॉप बैकग्राउंड डिस्क्राइब किया जाता है, इंसिडेंट्स को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है, तो वो हम बुक पढ़ेंगे तो हमें वो सारी डिटेल्स मिलेगी. आई वुड बी एबल टू इंजॉय द बुक फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द मूवी. और बुक बहुत डिटेल्ड होती है, हम टाइम लगता है हमें बुक कंप्लीट करने को, तो उसको हम स्टोरी को ज्यादा टाइम तक इंजॉय कर सकते हैं, मूवी तो जरा देर में खत्म हो जाती है. ऑल्सो इट वुड हेल्प मी इम्प्रूव माई वोकैबुलरी, बुक पढ़ेंगे तो वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी. दूसरा आंसर मैंने लिखा, अगर आपका प्रेफरेंस है कि आप फिल्म देखना चाहते हैं रादर देन रीडिंग अ बुक, तो उसके लिए भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं. यू विल राइट, आई वुड प्रिफर सीइंग अ फिल्म बेस्ड ऑन द बुक देन रीडिंग द बुक बिकॉज देन आई वुड बी बेटर एबल टू विजुअलाइज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. तो आपके लिए पूरी बुक को अलाइव करके, जिंदा करके आपके स्क्रीन पे लाया जा रहा है, तो बेटर विजुअलाइजेशन हो सकता है, हमको सामने हमें क्लियरली दिख रहा है. Also, the characters in the story would come alive on the screen. Characters, story, सब हमें alive दिख सकते हैं. हम तो पहले book पढ़ने में तो हमारे imagination में होते हैं. अब story के characters real life में ऐसे screen पे हमें दिख रहे होते हैं, move करते हुए, activity करते हुए, वो incidents पूरे वो enact करते हैं. तो film effectively captures all the gripping events of the story and is a thrill to watch. फिल्म देखने में ये सी आना चाहिए effectively. तो इफेक्टिवली कैप्चर्स ऑल द ग्रिपिंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, जो भी स्टोरी के ग्रिपिंग इवेंट्स है वो पूरा इफेक्टिवली वो फिल्म कैप्चर करती है, उसके ऊपर पूरी स्क्रिप्ट बनती है और वो पूरी मूवी बनती है. वो सब इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स जो बुक के होते हैं वो फिल्म कैप्चर करके हमें सामने रखती है हमारे, और उसको देखने में हमें एंटरटेनमेंट मिलता है, इट्स अ थ्रिल टू वॉच. तो ये आंसर हम लिख सकते हैं. यहाँ पे हमारे दोनों पैसेजेस कम्प्लीट हो गए, हमने प्रोज जो है टेक्सचुअल पैसेजेस कवर कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में अब हम पोएट्री देखेंगे. Wish you all the very best. Thank you.